हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि उल्लू वालों ने अपनी एक बहुत ही पुराना वेब सीरीज कविता भाभी इसकी सीजन 4 भी रिलीज करेगा। ये कविता भाभी की पहला जो 3 सीजन आया था वो सारे सीजन बहुत ही ज्यादा हिट हुआ था। उस सारे सीजन को ऑडियंस ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया था। तो लगभग 2 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया कविता भाभी सीजन 3 देखने को मिला था। तो इतने टाइम बाद जाके कविता भाभी की सीजन 4 फाइनली आने वाला है। और एक कविता भाभी सीजन 4 के साथ उल्लू की और भी एक बहुत ही पुराना एक्ट्रेस भी रिटर्न करने वाला है इस सीरीज से। तो दोस्तों, कविता भाभी सीजन 4 के बारे में और भी डिटेल्स में जानने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि कविता भाभी सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक जिस एक्ट्रेस को देखने को मिला था कविता भाभी की रोल में, उस एक्ट्रेस को चेंज नहीं किया है। और उस एक्ट्रेस की नेम है कविता राधेश्याम। और स्पेशली इस एक्ट्रेस इस स्पेसिफिक रोल के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ है। और इस बार इस कविता भाभी सीजन 4 के साथ उल्लू की बहुत ही पुराना एक्ट्रेस शरणजीत कौर भी रिटर्न करने वाला है। तो ये कविता भाभी सीजन 1 से लेकर सीजन 3 के अंदर जिस तरह की स्टोरी देखने को मिला है, इस बार सीजन 4 के अंदर भी सेम उसी तरह की स्टोरी देखने को मिलेगा। कविता भाभी पैसे की बदला में फोन में आदमी के साथ वो सब करता है। वो कौन सा सब, वो तो आप सबको पता है। समझदार को इशारा ही काफी है। और इस बार कविता भाभी के साथ शरणजीत कौर भी होने वाला है। और शरणजीत कौर मेरा एक बहुत ही फेवरेट एक्ट्रेस है। तो इस एक्ट्रेस को बहुत दिनों के बाद उल्लू की सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बात करें सीरीज की रिलीज डेट के बारे में, तो सीरीज के अभी तक तो कोई कन्फर्म रिलीज डेट उल्लू वालों ने अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मार्च के अंदर भी देखने को मिलेगा, सेकेंड थर्ड या नहीं तो लास्ट वीक के अंदर ये सीरीज जरूर देखना चाहिए। देखने के चांस बहुत ही ज्यादा है। तो दोस्तों, इस सीरीज को लेकर आप लोगों के मन में क्या रहा है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना।